लोकसभा चुनावों में किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है ये केंद्र तय करता है। मैं प्रदेश में खुश हूँ, कांग्रेस संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कौन होगा ये तो पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही जाने। ये बात शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोकसभा चुनावों में महिला को प्रत्याशी बनाने के जवाब में कही। तो लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरह? देखिए, वैसे तो मैं प्रदेश में बहुत खुश हूँ और मुख्यमंत्री जी ने अच्छा बढ़िया विभाग दे रखा है, सेवा करने का मौका दिया है। ये हमारे अपनी ओर से सरकार का एक पार्ट है, बाकी तो ये केंद्र सरकार ऊपर के लेवल पे मोदी जी जाने, अमित शाह जी जाने, वो जैसे तय करते हैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के साथ हो सकते हैं। आपकी तैयारी पूरी, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो? देखिए, ऐसे है कि ये जिम्मेदारियां किसको देनी है ये केंद्र ही तय करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो तय करते हैं और जो भी वो पूरे प्रदेश में जिसको भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को आदेश मानना पड़ता है। सरवीण चौधरी ने धर्मशाला में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति उप योजना की समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंची थी। नगर निगम धर्मशाला में रिक्त पदों पर सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने ईओ के पदों को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी है, काम चल रहा है, वही जिम्मेवारी निश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला में 50 पद सृजित किए गए हैं जिनमें से 10 पद भर दिए गए हैं। नगर निगम धर्मशाला में शामिल पंचायतों में विकास के लिए धन व रोजगार उपलब्ध न होने पर सरवीण चौधरी ने कहा कि धर्मशाला विकास कार्य जारी है। नगर निगम द्वारा अपने भवनों के किराए के रूप में 2 करोड़ रुपए के लगभग राजस्व एकत्रित किया गया है जो पहले होता ही नहीं था। मैं नहीं आया, कोई ऐसा पर्टिकुलर मामला आया होगा तो आप मुझे बताना। वी हैव टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम्स, है ना। ऐसे जनरल इश्यू तो कोई भी कुछ कह देगा, पानी नहीं आता, लोग कहते पानी नहीं आता। मैं कितने दिन से आते, महीना हो गया, मैं महीने से प्यासे हैं और मेरे को बता नहीं रहे आप। इट्स नॉट दैट, प्रैक्टिकली कुछ और होता है और जनरल कुछ और होता है। पिन पॉइंट जो भी समस्या आप लाओगे मेरे पास तो आई चेक। जिस तरह स्टाफ में काफी कमी जो है देखने को मिल रही, तो कब तक लगता है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी और नगर निगम का? हमारे यूज का सवाल है, हमारे कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, उसकी प्रक्रिया चल के ईओ सब जगह आ जाएंगे। लेकिन ईओ का काम अभी भी जो है हम लोगों ने कहीं एसडीएम को दे रखा है, कहीं एसडीओ को दे रखा है, कहीं छोटा सा अगर नगर पंचायत है तो वहां तहसील को दाद को भी दे रखा है। तो काम चल रहा है, काम कहीं रुका नहीं है। हमने जिम्मेवारियां तो देनी ही पड़ती हैं। अब आईएएस है, उसके पास इतने विभाग होते हैं तो कई बार ऐसा आता है कि हमें पावर डेलीगेट करनी पड़ती है। तो हर जगह पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है काम दिया है, बांटा हुआ है। धर्मशाला नगर निगम द्वारा शराब बिक्री पर सेस लगाने के 2 बार भेजे गए प्रस्ताव पर सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रस्ताव पहुंचेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। नगर निगम धर्मशाला द्वारा पहली बार मार्च माह जबकि दूसरी बार हाल ही में सेस लगाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया था, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई जवाब नगर निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी में पीएमसी जो है वो अभी मैंने काफी दिनों से, जल्द ही मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे। हमने 4 महीने से सारी स्कीम्स बना दी हैं, यहाँ तक कि उसके टेंडर भी बहुत सारी चीजों के कर दिए हैं। सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी जो है, शुरुआत जो है मुख्यमंत्री के द्वारा होनी है। 4 महीने पहले से हमने दे रखा है और हमने उन 4 महीनों में टेंडरिंग प्रोसेस जो है उसको शुरू कर दिया था। इन फर्स्ट टाइम जो है टेंडर जो हाँ होंगे, टाइम लगता है। और जो पीएमसी है उनका उनसे मेरे 2-3 बार मीटिंग होगी, उनका ये कहना है जैसे काम हमारे शुरू होंगे हम लोग उन लोगों को लगाएंगे। उनका जिम्मे है ये। मैम, आजादी के बाद शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने धर्मशाला में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति उप योजना की समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए तैयार योजनाओं का पूरा लाभ धरातल पर पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वंचित पिछड़े तबके को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में अनुसूचित जाति उप योजना 2018-19 के द्वितीय चरण की समीक्षा के अलावा 2017-18 की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कार्य पद्धति का एक पार्ट है जिसमें एससी कंपोनेंट के लिए जो संवैधानिक रूप से हम लोगों को उनका स्पेशल ध्यान रखने का एक जिम्मा रहता है,
और केंद्र से लेकर स्टेट्स के बीच में और जिलों तक जो है इसकी मॉनिटरिंग होती है। सो आज की बैठक जो है विशेष रूप से जिला कांगड़ा की एससी कंपोनेंट के ऊपर थी और इसमें हर विभाग की कंट्रीब्यूशन रहती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, एजुकेशन है, सभी का एक सामूहिक प्रयास रहता है कि वो ऐसी बस्तियों को छूट ना जाए कहीं से हमें, तो उसी की मॉनिटरिंग जैसे हमने आज बोला कि एसटी जो है वो भी जो एससी की श्रेणी में आते हैं वो भी इसका फायदा उठाते हैं, तो कुल मिला के एक बढ़िया बैठक रही, हमने रिव्यू किया है और जो जो जहां जहां इम्प्रूवमेंट की बात थी वो दिशा निर्देश भी दिए हैं, कई जगह पे स्कीम जो है वो बदली जा रही है, तो अच्छी बैठक थी, अच्छी प्रोग्रेस है, वैसे तो मैंने देखा ओवरऑल प्रोग्रेस ठीक है, बढ़िया बैठक के बीच। हाँ जी, आप बताएं बैठक में जो है अधिकारी के बिना तैयारी के आए और आप उस पर तलक भी दिखी, तो क्या कहेंगे इस चीज को लेकर जो बिना तैयारी के अधिकारी बैठक में आए? उन्होंने उसको बजट को अलग नहीं किया था, जो जनरल बजट है वो एससी को दो भागों में बांट के नहीं लाए थे, नेक्स्ट टाइम उनको बताया है कि जहां एससी कंपोनेंट की बात करनी है तो उस बजट को सेपरेट करके उसकी प्रोग्रेस दी जाए, वो मैंने पूछ लिया है अपने तरीके से और उनको बताना भी पड़ा और रिकॉर्ड हमारे पास भी होता है, हम उसको टैली कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उसी तैयारी के साथ एससी कंपोनेंट का जो भी हमारे पास अलग अलग स्कीम्स होंगी उसके ऊपर वो उनको बताना ही पड़ेगा।